हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामान। आज हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन के ये तीसरे पार्ट शुरू करने वाले हैं। अगर आपने बाकी दो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके पहले देख लीजिए। हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते करते हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज हम सारे मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 90 स्टूडेंट 85 ऑफ दिस बॉयज, यानी 85 स्टूडेंट्स बॉयज है एंड 70% ऑफ गर्ल्स पास्ड। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन इफ टोटल पास परसेंटेज वाज 75%। यानी एक एग्जामिनेशन हुआ है, मान लीजिए आपकी कोई एक एग्जामिनेशन हुआ है, एसएससी का एग्जाम चल रहा है। अब एसएससी का एग्जाम हुआ है जहां पे 900 कैंडिडेट ने एग्जाम को दिया है, उसमें से 85% बॉयज एंड 70% गर्ल्स पास हुए हैं, और जो टोटल पास करने के जो परसेंटेज हुए हैं दोनों को मिला के वो हुआ है हमारा 75%। तब हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, गर्ल्स का फाइंड करना पड़ेगा, चाहे गर्ल्स मान लीजिए चाहे बॉयज मान लीजिए, हम दोनों को ही करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम एलिगेशन को लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको बॉयज पता है। इधर हम बॉयज ले लेते हैं, इधर हम गर्ल्स ले लेते हैं। बॉयज हमारा दिया गया है 85%, गर्ल्स हमारा दिया गया है 70%, एंड टोटल कितना अपीयर हुआ है हमारा 75% टोटल अपीयर हुआ है। और यहां से हम ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 10 और ये हमारा आ जाएगा 5। यानी यहां से हमारा रेशियो बन के आ जाएगा, बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो बनेगा हमारा 1:2। अब हमको रेशियो पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, हम चाहे गर्ल्स बोलिए चाहे बॉयज बोलिए, हम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। अब पहले हम बॉयज को फाइंड कर रहे हैं, टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे हमारा, टोटल हमारा 900 स्टूडेंट है, बॉयज का रेशियो 1 है, टोटल हमारा इन दोनों का सम 3, ये हमारा 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी 300 जो है बॉयज से, और गर्ल्स की बात करें तो हमारा ये बाकी बचा जो शेष रहेगा ये गर्ल्स अपीयर हुए हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोई भी टफ टफ क्वेश्चन कभी ही नहीं पूछा जाता, सिर्फ हमको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 400 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हैज 40% सॉल्ट इन इट, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। यानी 400 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉल्ट यानी नमक और चाहे पानी का मान लीजिए और चाहे किसी भी और चीज का मान लीजिए, एक सॉल्यूशन है जहां में 40% जो है नमक है। अब हमको बोला गया है हम कितने परसेंट और नमक मिलाए ताकि उस सॉल्यूशन में जो नमक की जो मात्रा है वो हमारा 50% बन जाए। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये हमारा मिक्सचर का प्रॉब्लम है। हम पहले नमक को निकालेंगे कितने नमक है, और बाकी जो और एक जो चीज है वो क्या कितना है। तो हम चलिए करते हैं, अब टोटल है हमारे पास 40 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये चाहे आप सॉल्ट और पानी का मान लीजिए या चीनी का मान लीजिए चाहे कुछ भी का मान लीजिए, जहां पे 40% जो है हमारा सॉल्ट है। तो हमारा सॉल्ट कितने निकल के चला आया, 160 हमारा जो है टोटल सॉल्ट है हमारा 160 ग्राम। बाकी जो बचा है हम मान लेते हैं वो है वाटर है, वाटर हमारा कितना रह जाएगा, और दो सौ चालीस ग्राम रह जाएगा बाकी। अब हमको बोला गया है कि कितने हम सॉल्ट मिलाए जिससे ये हमारा जो सॉल्ट जो सॉल्यूशन है हमारा वो 50%
सॉल्ट वहां पे बन जाए। तो मान लीजिए हमने सॉल्ट मिलाया, x ग्राम सॉल्ट मिला रहे हैं हम, तो 160 प्लस में हम x ग्राम मिला रहे हैं और बटे में हमारा क्या बाकी जो रहा, हमारा बाकी रहा 240। और इसके बाद हो क्या रहा है, 50% इन द सॉल्यूशन इज सॉल्ट है, सॉल्ट 50% है, तो बाकी क्वांटिटी क्या है, जो बाकी क्वांटिटी है वो भी 50% होगा, तो हमारा सॉल्ट बन गया हमारा ये 50% और बाकी जो क्वांटिटी है हमारा वो हमारा बन गया 50%। अब हम इसको आसानी से सॉल्व करके जो x का वैल्यू है हम वो निकाल पाएंगे, ये हमारा 1 आ जाएगा, दोनों हमारा चला जा रहा है। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू हमारे पास कितना चला आएगा यहां पे 240 - 160। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारा चला आ जाएगा 80 ग्राम। इसको हम इतना बड़ा ना करके यहां से भी हम बता सकते थे कि कितना मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 50-50 जब हो रहा है यानी बाकी क्वांटिटी जितना रहेगा आगे का क्वांटिटी उतना ही रहेगा, तो हमारा बाकी क्वांटिटी जो आ रहा है वो 240 आ रहा है और जो सॉल्ट आ रहा है सॉल्ट 160 आ रहा है, बाकी क्वांटिटी के साथ हमारा इक्वल हो जाएगा सॉल्ट, तो हम सॉल्ट में ऐसा कितना देंगे ऐड करेंगे जिससे ये इक्वल हो जाएगा, हम ऑप्शन में देखेंगे जिससे ये 240 आ रहा है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। चले आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चॉकलेट एट रुपीज 12 पर दर्जन इन मिक्सचर विथ चॉकलेट एट रुपीज 10 पर दर्जन इन द रेशियो 3:5 फाइंड द प्राइस पर दर्जन ऑफ द मिक्सचर। यानी हम अब तक क्या फाइंड कर रहे थे, हमको अब तक दो वैल्यू दिया गया था, उससे हम लोग जो रेशियो थे वो रेशियो का हम फाइंड कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमको दोनों दिया गया है, यानी कि चीपर वैल्यू दिया गया है, डियरर वैल्यू दिया गया है और हमको रेशियो दिया गया है, और हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा जो मीन रहता है वो हमको यहाँ पे मीन फाइंड करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, हम आगे जैसे कर रहे थे इसको भी हम वैसे ही करेंगे। हम यहाँ से जो रेशियो है हम उस रेशियो को ही निकालेंगे और उस रेशियो को हम जो रेशियो हमारा निकल के आएगा उस रेशियो को हम हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए रेशियो से इक्वल्स कर देंगे, तब हमारे वहां से वैल्यू जो है वो निकल के चला आएगा। तो चलिए आप करते हैं, हमारा जो दिया गया है हम एलिगेशन के रूल के हिसाब से ये हमारा 12 जो है हमारा डियरर वैल्यू है यानी जो ज्यादा है और 10 हमारा कम है, और हम मीन को मान रहे हैं, x हम मीन को मान रहे हैं, और हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमको रेशियो दिया गया है, हमारा रेशियो बन के आ रहा है 3:5, यहाँ से हमारा रेशियो ये आ रहा है। ये रेशियो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, हमेशा डियरर से मीन को माइनस कर रहे थे हम, यानी 12 से हमारा x का माइनस हो रहा था और हमारा जो चीपर रहता था मीन से हमारा चीपर का माइनस हो रहा था, मीन हमारा x है यहाँ पे, x से हमारा 10 माइनस हो रहा था, तब हमारा ये रेशियो बन के आ रहा था हमारा, जब इधर से कर रहे हैं तो हमारा पहले 5 आ रहा है और इधर से करें तो 3 आ रहा है, यानी हमारा रेशियो होता 5:3। यहाँ पे हमने उल्टा करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम पहले हम इस वैल्यू को लिए हैं
तो हम इसलिए हम पहले 5 को लेंगे, पहले उसके बाद हम इस वैल्यू को लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। अब ये दोनों इक्वल हो चुका है, अब हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसे हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा रेशियो को हम डिवीजन के तौर पे लिख सकते हैं, ये हमारा आ चुका है और ये हमारा आ जाएगा 5x 15 3x। इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 8x इक्वल से हमारा आ जाएगा 86 और x का वैल्यू हमारा यहाँ पे डेसिमल में आएगा 10 टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स जा रहा है, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जो पर डजन का जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर का रेट हमारा 10.75 रुपीस होंगे। तो ये भी एक आसान से क्वेश्चन है, अब आप लोगों की इतना कॉन्फिडेंस उम्मीद करता हूँ बढ़ चुका है कि जो सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आप सारे को हल कर पाएंगे। हम और दो तीन क्वेश्चन को और भी देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 66 लीटर ऑफ एडल्टरेट मिल्क इज 5:1। वाटर इज एडेड टू इट टू मेक द रेशियो 5:3। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इज, यानी पे यहाँ पे कहा गया है कि 66 लीटर के एक एडल्टरेट मिल्क है जहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो है हमारा 5:1 और हम कितने वाटर मिलाएं जिससे वो रेशियो बन जाए 5:3 बन जाए वो रेशियो। इसे करने का मैं एक आसान सा तरीका पहले बताया था, अब उससे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसको, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। टोटल जो मिल के हमारा 66 लीटर है उसका रेशियो क्या बन के आ रहा है हमारा 5:11 5:1। यानी के जो हमारा मिल्क बनेगा, मिल्क हमारा बनेगा 55 लीटर एंड वाटर जो बनेगा हमारा 11 लीटर। ये मैंने कहाँ से फाइंड किया, ये रेशियो हमारा दिया गया है 5:1, तो इसको हम अगर 66 से सॉल्व करें तो हमारा ये बन के आएगा, या फिर आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं कि 66 आ रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो हमारा मिल्क है हमारा 55 मिल्क एज इट इज रहेगा, वाटर हमारा पहले था 11 लीटर, वहाँ पे हम वाटर मिला रहे हैं मान लीजिए 1 लीटर वाटर मिला रहे हैं। अब ये हमारा बन के क्या आ रहा है, ये रेशियो हमारा 5:3 मिलाने के बाद बन के आ रहा है, यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे चला जा रहा है 11 टाइम्स, यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा ये हमारा 22 यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि 22 लीटर हम वाटर को यहाँ पे मिलाएंगे तब ये बन के आ जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को आप लोग और भी और तरीके से कर सकते थे रेशियो के मेथड से, पहले रेशियो हमारा 5:1 था, दूसरा रेशियो हमारा बना 5:3, वाटर हमारा एज इट इज रहे हैं, यहाँ पे हमारा चेंज किया हुआ है, मिल्क हमारा एज इट इज रहे हैं, वाटर हमारा चेंज हुआ है, कितने ही हुए हैं 2 यूनिट हुए हैं और हमारा टोटल पहले कितने थे 6 यूनिट, हमारा 6 यूनिट के वैल्यू हमको क्या दिया गया था 66 लीटर दिया गया था और हमारा 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाता हमारा 11 लीटर आ जाता और हमको 2 यूनिट का फाइंड करना है, यानी कि 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ है तो हमारा 2 यूनिट यहाँ से बन के आएगा 12 लीटर। ये मेथड जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किए थे तब यहाँ पे मैंने समझाया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन हैज
40 kg of tea, a part which he sell at 5% loss, the rest at the cost price. In this business, he lost 3%. Find the quantity which he sell at the cost price. हमने ऐसे क्वेश्चन भी आगे किए हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी इसे कर सकते हैं, अगर चाहे तो वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिगेशन के मेथड से करेंगे, क्योंकि एलिगेशन के मेथड से ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हमारे पास टोटल टी कितने हैं? हमारा टोटल टी है हमारा 40 kg, और हमारा क्या हो रहा है? एक हमारा हो रहा है लॉस और एक हमारा हो रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होते हैं और कॉस्ट प्राइस से ही लॉस होते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है और हमारा लॉस कितना हो रहा है? 5%। तो हमारा 5% लॉस बनने होने के बाद ये 100% कितना बन रहा है? ये तब ये हमारा 95 बन रहा है। 95 यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि 5% का लॉस हो रहा है। और हमारा मीन के वैल्यू इधर क्या दिया गया है? 3% लॉस दिया गया है। 3% लॉस यानी के हमारा आ जाएगा 97। और अब हम यहाँ से अगर लॉस एंड कॉस्ट प्राइस के अगर रेशियो को फाइंड कर लें, तो उस रेशियो से हम यहाँ पे निकाल पाएंगे कि कॉस्ट प्राइस कितने हैं। यहाँ पे हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? इससे हम इसको घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। यानी हमारा जो लॉस रेशियो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारा 3:2 बन गया। और हमारा पास टोटल है और हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है कॉस्ट प्राइस। सीपी हमको फाइंड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो कॉस्ट प्राइस के रेशियो क्या है? 2 है यूनिट, और नीचे हमारा इन दोनों का सम बन जाएगा 5। और हमारा टोटल कितने हैं? 14 kg है। हमारा 40 kg यहाँ पे बन गया। ये 8 times जा रहा है यानी 16 kg रहेगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस में सेल होगा। और अगर यहाँ पे अगर पूछा जाता कि लॉस में कितना सेल होगा, तो वो हमारा बाकी जो रहेगा रह जाएगा वो हमारा लॉस में सेल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग इससे जुड़ी जो एकदम एडवांस लेवल के जो डिफिकल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दिक्कत होते हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।